सारे उम्मीदवारों को तोलने का काम करना हो, किसी भी जनप्रतिनिधि को का आकलन करना हो, किसी जनप्रतिनिधि को तोलने का काम करना हो, तो दो ही पैमाने होते हैं, उसका काम और उसका आचरण। जब आपने मुझे रोहतक लोकसभा के सांसद के रूप में इससे पहले जब मुझे अवसर दिया था, तो उस समय रोहतक को आगे लेके जाने के लिए जो काम मैंने किए थे वो आपको याद होंगे। चाहे रोहतक का नक्शा बदलने की उस समय बात हो, चारों तरफ सड़कों का जाल, हाईवे, फोर लेन, सिक्स लेन कनेक्टिविटी, बाईपासेस बनवाकर रोहतक को आगे लेके जाने की बात हो, रोहतक में शिक्षा के सारे संस्थान, उस समय दो दो यूनिवर्सिटी रोहतक में बनी, सुखवा यूनिवर्सिटी बनी, अपनी हेल्थ यूनिवर्सिटी बनी, IIM रोहतक में आया, FDDI, फुटवे डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, भारत सरकार के जितने भारत सरकार के उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि वो सारे एक साथ दिल्ली में भी नहीं है लेकिन रोहतक के अंदर वो सारे संस्थान आज आपके रोहतक में उस समय लेके आ पाए थे। तो जो उस समय काम किया गया था जिससे रोहतक की एक विकास की पहचान बनी थी, एक चमक आई थी जो फीकी पड़ गई, वो भी काम भी आपको याद होंगे। और मेरा आचरण भी बचपन से लेकर आज तक वो भी आपके आगे है, कोई छुपा हुआ नहीं है, मैं आपका अपना ही हूं। बहुत से साथी हैं जो बचपन के मेरे दोस्त हैं, वो भी आज के आज अपनी सभा में बैठे हैं, बहुत से मेरे क्लासमेट बैठे हैं, बहुत से ऐसे जिनके साथ सारा बचपन, सारा जीवन जिनके साथ रहा है, और बहुत से ऐसे हैं जिनके बच्चों के साथ जो है मैं समझता हूँ उनके बच्चों के साथ सारा मेहनत हमने करी है। तो कहने का मतलब सारा मेरा आचरण आपके आगे है, मेरा काम भी आपके आगे है, मेरा आचरण भी आपके आगे है। काम और आचरण की कसौटी पे आप तोल के फैसला करना, और आपकी आत्मा ये गवाही दे कि आपका ये बच्चा खरा उतरता है, तो आप मुझे आशीर्वाद देना। मैं तो और मैं विश्वास दिलाता हूँ और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपका मैं आशीर्वाद खाली नहीं जाने दूंगा। आपके आशीर्वाद से दिल्ली पहुंचकर आपके मान सम्मान को मैं हमेशा ऊपर रखूंगा, अपने इलाके के रुके हुए विकास के कामों को आगे बढ़ाने का मैं काम करूंगा। लेकिन आपका आशीर्वाद केवल दिल्ली ही नहीं जाएगा, ये वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाएगा और हरियाणा में आपकी सरकार लेके आएगा। बहुत जल्दी हरियाणा के अंदर आपकी ये सरकार लेके आएगा, क्योंकि जैसे बत्रा साहब बता रहे थे कि हरियाणा की सरकार के जो पाव है वो डगमगा गए, हरियाणा ने बदलाव की तरफ कदम बढ़ा लिए। 10 साल में लोग बहुत परेशान हो गए बीजेपी की सरकार से, हरियाणा में 10 साल में ऐसी स्थिति आ गई, विकास का कोई काम किया नहीं, देश में बेरोजगारी में हरियाणा नंबर एक बना दिया, हर घर में पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, आज बेरोजगारी में देश में नंबर एक, महंगाई की मार अलग से आज ऐसी स्थिति बन गई, आज ऐसी स्थिति बन गई आज ऐसी स्थिति बन गई कि सरकार में बेरोजगारी में देश में नंबर एक, महंगाई के मार अलग से, नशा में बढ़ोतरी हो गई हरियाणा में, अपराध दर बढ़ गया हरियाणा में, और हर वर्ग का अपमान को अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया। और अहंकार, सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया कि आप देख रहे हैं कि यहां तक भी अहंकार बढ़ गया सरकार का, कि सरकार ने कहा कि बीजेपी से जुड़े हुए लोगों ने कि 400 पार का नारा हम इसलिए दे रहे हैं कि हम संविधान, बाबा साहब के संविधान को तोड़ेंगे, तो अहंकार की बात है। बाबा साहब के संविधान को तो खैर हम आंच भी आने नहीं देंगे, लेकिन देश के लोग तोड़ेंगे तो बीजेपी के घमंड को जरूर लोग तोड़ेंगे, क्योंकि घमंड सारी उम्र किसी का चला नहीं। लेकिन आपने देखा आज ये स्थिति बनी हरियाणा में, इतना बीजेपी से नाराजगी होगी लोगों को कि इलेक्शन के बीचों बीच इनको अपने मुख्यमंत्री को भी बदलना पड़ा, अपने उप मुख्यमंत्री को भी बदलना पड़ा, लेकिन फिर भी एक एक करके इनके विधायक बीजेपी से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। ये अल्पमत में सरकार आ गई है,
जिस दिन लोकसभा चुनाव की मतगणना होगी उसके एक अगले हफ्ते में ये सरकार हरियाणा के अंदर ये सरकार अल्पमत में सरकार आ गई है और हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है कि हरियाणा की बीजेपी की ये सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। तो ये सरकार आपकी आएगी और सरकार आपके बनते ही कुछ पहली कलम से हम काम करेंगे। सबसे पहले बड़े बुजुर्गों की देश में सबसे ज्यादा 6,000 बुढ़ापा पेंशन करने का हम काम करेंगे और उसके साथ साथ अपनी माताओं और बहनों के लिए अलग से योजना, एक महालक्ष्मी योजना, जो देश में हमने अनोखी एक ऐसी योजना जिसमें हर माँ अपने घर में एक माता बहन की जो बुढ़ापा पेंशन से अलग, बुढ़ापा पेंशन तो बनेगी बनेगी लेकिन उसके अलावा एक माता बहन को हर घर में 8,500 की एक पेंशन बनवाने के देना काम करेंगे। महालक्ष्मी महंगाई बचत योजना, क्योंकि इनकी महंगाई बहुत कर दी सरकार, तो महंगाई बचत योजना जरूरी है, जो माता बहन घर चलाती है वो इस बात को समझेंगी, ये हमने स्कीम लेके हम ये आ रहे हैं। उसके साथ साथ जो इतनी महंगी बिजली के बिल आज के दिन हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर और दिल्ली के तर्ज पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने का हम काम करेंगे, 300 यूनिट बिजली, ताकि बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिले, ये हमारे संकल्प है। और भाई जहां तक अपने इलाके की बात है, रोहतक की बात है, रोहतक को दोबारा से विकास का पहिया रोहतक में दोबारा घूमे, विकास का पहिया दोबारा घूमना चाहिए। 10 साल से रोहतक विकास की पटरी से उतर गया, जो मेट्रो का आखिरी खंभा मैं बहादुरगढ़ में मैंने मंजूर करा के छोड़ के गए थे, जो उस समय जो जहां बनवाया था बहादुरगढ़ में आखिरी खंभा वहीं का वहीं खड़ा है, मेट्रो आगे नहीं बढ़ी 10 साल में। दूसरी तरफ यूपी में मेट्रो नोएडा से ग्रेटर नोएडा पहुंच गई, RRTS गाजियाबाद से मेरठ पहुंच गया, और 10 साल पहले जहां हमने मेट्रो बहादुरगढ़ में साखोल में लेके आए थे, इन्होंने 10 साल में एक खंबा मेट्रो का नया मंजूर नहीं कराया। तो भाई ये भी हम कहना चाहते हैं कि इनके जो नारे होते हैं तो अपने लिए नारे देते हैं, काम कुछ करते नहीं, ये कह रहे हैं 400 पार, हमारा नारा है मेट्रो जाएगी रोहतक पार, ये ताकि हमारा, देखो ये हमारा रोहतक, ये दिल्ली के एक तरफ नोएडा लगता है, एक तरफ गुड़गांव, पूरब में नोएडा, दक्षिण में गुड़गांव, तो पश्चिम में रोहतक लोकसभा सीट, ये रोहतक लोकसभा सीट, ये जो क्षेत्र है हमारा, इसकी कभी किसी ने सुध नहीं ली थी जब तक हमारे इलाके में राज नहीं आया। जब राज आया, हुड्डा साहब के हाथ में कलम आई, तो रोहतक की तस्वीर सवरी, रोहतक का नक्शा, नक्शे में सुधार हुआ और आपको हमको रोहतक के विकास पे गर्व होने लगा। लेकिन उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो विकास की गाड़ी रुक गई, आज रोहतक दोबारा विकास से उतर गया, रोहतक की चमक फीकी हो गई, आज पीने के और वाटर सप्लाई के मूलभूत समस्याओं से हमारे लोग त्रस्त हो गए, सड़कों की परिस्थिति खराब हो गई, जो सड़कें बनवा के गए थे उन्होंने सड़कों की देखभाल भी नहीं करी, जो हमने पानी की व्यवस्था बनवाई थी वो सारी चरमरा गई, बारिश एक होती है रोहतक शहर में पानी इकट्ठा हो जाता है, जो रोहतक विकास के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया था, जिसकी वजह से ये बोलते थे सारी पार्टियां मिलके कि ये सारे काम हुड्डा साहब रोहतक में ही करते हैं, आज वो उस रोहतक में ना तो पीने के पानी की सप्लाई ढंग से है, ना सड़कों की व्यवस्था ढंग से है, ना ड्रेनेज की व्यवस्था ढंग से है, आज उस रोहतक में हमें और आपको ना बच्चों के रोजगार की परिस्थितियां ढंग से हैं, तीन दिन से पानी नहीं आता, तो आज रोहतक वो पिछड़ गया। तो भाई ये मैं कह सकता हूँ कि भाई ये जो इस बात की टीस या तो आपके दिल में हो सकती है, हमारे दिल में हो सकती है, और ये जो आपके हमारे दिल में टीस है, अपनी पिछली बार जब आपने मौका दिया था तो उस समय मेरे पास अनुभव नहीं था, मेरे पास मेहनत थी, ईमानदारी थी, जोश बहुत था और रोहतक का नक्शा हमने बदला था, लेकिन अनुभव नहीं था। अनुभव भी खूब हमारे बीच में इन वर्षों में हुआ है, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको इस बार आपके आशीर्वाद से जब मौका मिलेगा तो विकास का पहिया फिर रोहतक में घूमेगा और अपना रोहतक गुड़गांव और नोएडा से पीछे नहीं रहने देंगे, ये मैं आज आपको बता दूं, ये हमारा संकल्प है कि हमारा इलाका आगे जाए, इन समस्याओं का समाधान हो, हमारा क्षेत्र आगे जाए, लेकिन उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि मेरे पास आपके आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं,
लड़ाई बीजेपी से लड़ने के लिए बीजेपी देखो, बीजेपी के पास सरकारें भी हैं, बीजेपी के पास मीडिया भी है, मीडिया भी इन्हीं की ज्यादा दिखाता है, और बीजेपी के पास छुट्टी का पैसा भी है। बीजेपी ने इतना पैसा लूट लिया, कोई कंपनी नहीं छोड़ी देश में जिसे चंदा ना लिया हो, कोई कंपनी नहीं छोड़ी। आपको पता है जब गौ कृषि करने वाली कंपनी से चंदा ले लिया, जब कोरोना का टीका लगवाने वाली कंपनी से चंदा ले लिया कि नहीं ले लिया? किस किस ने टीका लगवाया था भाई कोरोना का? है? अच्छा, किस किस ने दो दो टीके लगवाए थे? दो ये देखो और देखो भाई, मैं शुरू में कभी नाट गया था, मैं नहीं लुवाऊं था, फिर मैंने भी लुवा लिया क्योंकि घर में कई दिन कलेश, तो फिर वो भी ठीक नहीं मिला भाई। चलो भाई, घर वाले क्या कह रहे हैं तो लुवा ले भाई। तो मगर ये नहीं पता था। अब बात ये बनती है, एक मिनट रोकना भाई इनको, एक सेकंड, क्या है भाई, क्या चल रहा है यहाँ, रोको भाई एक। तो भाई ये कोई बात नहीं चलो। तो भाई ये एक बात, एक सेकंड, तो भाई ये देखो, कोरोना की बात चल रही थी टीके वाली से, भाई मेरे को एक बात नहीं समझ में आई कि अगर टीके में कोई कमी नहीं थी, अगर कोरोना के टीके में कोई कमी नहीं थी तो बीजेपी ने चंदा लिया क्यों, और अगर टीके में कमी थी तो हमें वो टीका लगवाया क्यों? सही बात है ना, टीके में कमी नहीं थी तो टीके वाले से चंदा लिया क्यों, और अगर टीके में कमी थी तो मारे वो टीका लगवाया क्यों? तो चंदा इतना, तो पैसा इतना इकट्ठा करके ये केंद्र से लेकर और नीचे रोहतक कौन इकट्ठा कर गया, वो भी मेरे को बताने की जरूरत नहीं। आपको पता है कि नहीं कौन इकट्ठा कर गया यहाँ? तो भाई ऊपर से लेकर नीचे तक इतना पैसा इकट्ठा करके भाई, इनसे लड़कान देखो भाई, इनसे इनके पास सरकार भी है, इनके पास मीडिया भी है, इनके पास पैसा भी है, मेरे पास इनसे लड़ाई लड़ने के लिए आपका आशीर्वाद है, बस उसमें कमी मत छोड़ना। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरा इलेक्शन संभालना भाई, ये इलेक्शन आप पे छोड़ के मैं जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।